हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑलराउंडर पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी वैकेंसी की बात करने वाला हूँ जो 10वीं पास के लिए है। 10वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका है ये। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में देख के आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। CRPF रिक्वायरमेंट 2023, इसके अंदर 9212 पद रखे गए हैं। 12 पदों पर यह बड़ी भर्ती है। 12 पदों 9212 पदों पर इसका आवेदन 27 मार्च से 25 अप्रैल तक है। 25 अप्रैल 2023 तक। दोस्तों, यह भर्ती पुरुष और महिला दोनों के लिए रखी गई है, जिसमें पुरुष के 9105 पद हैं और महिला के 107 पद। दोस्तों, मैं बात करूं इसकी एग्जाम की, तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा इसके अंदर, और इसकी एज लिमिट है 18 वर्ष से 23 वर्ष तक। और मैं यदि बात करूं आपके फॉर्म फीस की, तो वो जनरल, OBC और EWS के लिए मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और महिला के लिए निःशुल्क है। फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और इसकी बात कीजिए इसकी क्वालिफिकेशन की, योग्यता किसी भी बोर्ड से 10वीं पास। ये ऑल इंडिया इसकी लोकेशन है, जो ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया जॉब है ये। और दोस्तों, मैं बात करूं इसके एग्जाम की, तो इसकी एग्जाम डेट भी फिक्स कर दी गई है, जो 1 जुलाई से 13 जुलाई के मध्य होने वाला है। 1 जुलाई से 13 जुलाई 2023 तक रहने वाला है। और मैं इसके अंदर आपकी बात करूं सैलरी की, तो वो रखी गई 21,700 रुपये से लेकर 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक। और इसके अंदर आपके, यदि मैं सिलेबस की बात करूं, तो उसके अंदर इंग्लिश है, और हिंदी को मिला के आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं बात करूं मैथ की, तो 25 क्वेश्चन इससे रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आपके जीके से आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन ही रीजनिंग से हैं। दोस्तों, ये ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। 100 क्वेश्चन है, 100 अंकों का ही होगा। और नेगेटिव मार्किंग है,
एक चौथाई। यदि दोस्तों मैं इसके अंदर बात करूं आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा आपकी स्किल टेस्ट, उसके बाद रहने वाला फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में मेडिकल। तो ये आप अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो।